कांड हुआ रात में, भाग बेच दिया कि मार दिया हमको तो पता नहीं, हम सोए थे साथ में और सुबह हम उठकर देख रहे हैं तो वो भाग गए। हम सिगरेट पीने गए थे चार चक्का से, हमें 10 डेग के में सिगरेट पीने गए थे चार चक्का से। नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार में सुशासन के लाख दावे किए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए बहुत काम किया है, साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले इस बात को खूब आगे बढ़ाया जाता है बिहार में। लेकिन हमारे बिहार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं इसका उदाहरण तब पता चलता है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में फरियादियों से मुलाकात करते रहते होते हैं और बाहर लोग इंतज़ार करते हैं कि नीतीश कुमार से कैसे मुलाकात हो पाए। एक पिता और एक भाई न्याय की गुहार लगाए बाहर खड़ा है, अंदर नीतीश कुमार फरियादियों से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ में एक बड़ा सा पोस्टर, मेरी बेटी कहाँ है। क्या हुआ था उस दिन बताइए? 2 फरवरी के कांड हुआ रात में, भाग बेच दिया कि मार दिया हमको तो पता नहीं, हमारा 10 बजे फोन किया तो हम पूछताछ किए घर पर जाके दामाद के, तब देखे कि उनका सब पूरा परिवार जुटल है, पूछताछ किए तो वही बोले कि हम 8 बजे सूत के उठे पापा कि हमको पता नहीं है कि कहाँ भाग गए हम, ठीक है। तो फिर दूसरा हम दिन पता लगाए तब फिर पूछताछ किए 6 तारीख के, तब बोले कि हम सिगरेट पीने गए थे चार चक्का से, हमें 10 डेग के में सिगरेट पीने गए थे चार चक्का से। फिर पूछताछ आओ बढ़ गया ताकि चार चक्का कहाँ था, ताकि वही हम सिगरेट पीने गए थे। हमें जब 5 बजे उठे सिगरेट पीने गए तो 5 बजे हमरा भी कॉल करते, पहले मायके में कॉल जाता है पूरा अपना। आप लोग कहीं इसको लेकर के कंप्लेन किए पुलिस में? पुलिस में कंप्लेन किए थे, थाना में कोई केस नहीं हुआ अभी तक, कोई केस नहीं हुआ। आप भाई हैं लड़की के, क्या लगता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी को बचाया जाता है, बेटी को पढ़ाया जाता है, महिलाएं सुरक्षित है इस सरकार में, आपको लगता है ऐसा? हमें तो नहीं लग रहा है, प्रशासन भी इसमें कुछ ये नहीं कर रहा है। प्रशासन मतलब उसके पास तो हम लोग रेगुलर जाते रह रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कितना दिन गुजर गया? दिन 2 फरवरी को रात में हुआ था, 3 तारीख को फ़ोन मेरे पास आया था फरवरी में, और आज जाके आपका 14-15 तारीख या 18 तारीख हो गया, आज 18 अप्रैल हो गया, 2.5 महीना हो गया। अच्छा, जिनके साथ शादी हुई थी वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि वो भाग गई रात में, सोए थे साथ में और सुबह हम उठ कर देख रहे हैं तो वो भाग गए, नहीं थे घर पे। उसका कोई कुछ पता नहीं चला। गए तो देखे कि घर खाली था, पूछताछ किया, हम बोले कि नाती मेरा कहाँ था, ताकि हम दीदी के यहाँ पहुँचा दिए थे खलपुरा, मम्मी तो मम्मियों के बउआ मम्मी के दोनों के पहुँचा दिए खलपुरा, हम काहे लिए पहुँचा दिए ताकि दादी भी रहती, हम दादी मतारी है, मतारी बाप तो आप लोग हैं, काहे बउआ के बैठा दिए, घर खाए खाली हो गया, कारण तो ज़रूर कुछ है लेकिन वो लोग नहीं बताए। हमारा कहें कि पापा चलिए कोर्ट, हम पूछे कि कोर्ट काहे के लिए लिया जाइएगा, ताकि दस्तखत कर दीजिएगा, हम कहे कि हमारा बेटी चाहिए, दस्तखत हम क्यों करेंगे कोर्ट में जाके, कोर्ट इतना हड़बड़ाए काहे हुए हैं, थाना कोर्ट कर रहे हैं। वो हमारा खोज में 2 दिन गया दमाद धीरज कि चलिए पापा कोर्ट में दस्तखत कर दीजिएगा, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा हम नहीं जाएंगे, हमारा बच्ची चाहिए, लेकिन वो लोग झूठ पर झूठ बोलते गए अभी तक। उम्मीद है नीतीश कुमार से? अब देखिए नीतीश कुमार से उम्मीद तो हम चाहते हैं कि मिल जाए बेटी जल्दी घर। हाँ, बेटी जल्दी घर आ जाए, न्याय मिल जाए कम से कम, हम तो चाह रहे हैं, 2.5 महीना से दौड़ धूप कर रहे हैं थाना से लेकर कोर्ट तक। बिल्कुल, एक पीड़ित परिवार, एक पिता और एक भाई का ये मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके अपने समस्याओं को उनके पास रखे, क्योंकि प्रशासन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संज्ञान लेते हैं या फिर इनकी मांग यूं ही रहती है। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।